हाय फ्रेंड्स, प्रेमलता चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरी एक नई रेसिपी है वेज कबाब की, मसूर की दाल के साथ बनाएंगे हम। ये मसूर की दाल है, इस कटोरी के हिसाब से 2 कटोरी मसूर की दाल लेनी है, 1 कटोरी चने की दाल। दोनों को मिक्स करके रात में भिगो दीजिए, सुबह कुकर में डाल के उबालना है। जैसे आप दाल बनाते हैं पकाना है उसी हिसाब से। उसके बाद उसमें आपको मसाला डालना है। कुकर में डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। जीरा 1 चम्मच लीजिए, छोटे चम्मच के हिसाब से आप 1 चम्मच जीरा लीजिए। इसी चम्मच के हिसाब से आप 1 चम्मच गरम मसाला लीजिए, डाल दीजिए। 2 चम्मच धनिया पाउडर डालिए और मिर्च आप अपने हिसाब से 2 चम्मच 3 चम्मच, या नहीं डालना है तो नहीं डालिए। बच्चों के लिए बनाना है यदि तो आप बिल्कुल ना डालिए। 3 सीटी लगने तक पकाइए, उसके बाद उसको बंद कर लीजिए, होने दीजिए। 3 सीटी होने के बाद इस तरह से दाल हो जाएगा, जिस तरह मेरा ये है देख रहे हैं। बाउल में रख लीजिए आप ठंडा होने तक। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गीला होना चाहिए। इसको सिल बट्टे पे पीस लीजिए या फिर आप मिक्सी में पीस लीजिए। पीस के बिल्कुल पेस्ट बनाना है। उसके बाद इसमें पीसने के बाद इस तरह से हमारा पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें प्याज, कटा हुआ प्याज लेना है, जैसे कि ये बहुत बारीक कटी हुई प्याज है, इसको हमने डाल लिया है इसमें इस तरह से। कटा हुआ पुदीना पत्ती लेना है, कटी हुई हरी धनिया लेना है, हरी मिर्च लेना आप अपने हिसाब से लीजिए, अदरक कद्दूकस किया हुआ है आप काट लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए, नमक स्वाद अनुसार डालना है, नमक स्वाद अनुसार डालना है बिल्कुल, जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स। इसको मिक्स करना है इस तरह से। बहुत अच्छा कबाब बनता है इसका, बहुत खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसको आप बिल्कुल मिक्स कर लेना है, इसको बॉल बनाने हैं, छोटे छोटे बॉल बना के। पहले गैस को ऑन कर लेना है, गरम कर लें फ्राई पैन। इसको हाथ से मैश कर सकते हैं, मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। इसके कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल लगेगा ही नहीं आपको कि वेज है या नॉन वेज कबाब है। टेस्ट में बिल्कुल नॉन वेज जैसा लगता है वेज कबाब ही। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं और मैदे की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हल्का सा हाथ में तेल लेना है, जैसे कि हमने लिया बॉल, इस तरह से आप बॉल बनाइए, कबाब के हिसाब से बनाइए, बिल्कुल जैसे कबाब बनते हैं उसी के इस तरह बनाते जाइए। इसी तरह से बॉल बनाते रहिए आप, 2-3 बॉल हो जाए तो फिर आप तेल डालिए पैन में। मैंने बॉल बना लिए हैं, इसमें आपको दिखा रहे हैं, पैन में तेल डाल देंगे। तेल पक गया है, इसमें डालना शुरू कर देंगे। इस तरह से डालते जाइए आप एक एक करके। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से बन रहा है ये, बिल्कुल थोड़ा सीखने तक, एक तरफ होने तक, क्योंकि थोड़ा सा राउंड होने तक आप इसको पकाइए। उसके बाद इसको पलट लेना है, दूसरी साइड पकाना है। इसको पलट लेना है बिल्कुल,
सारे को पलट लेना, सब अच्छी तरह से पलट लेना है सही कबाब को। दूसरी साइड जिसी तरह पका लेना है बिल्कुल सेम इसी तरह से। ये देखिए हो गया है दूसरी साइड से, अभी इसको सर्व कर लेते हैं। गार्निश कर लीजिए थोड़े से पुदीने की पत्ती के साथ। टमाटो सॉस रखिए, सॉस के साथ गार्निश करके इसको सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे लगते हैं बिल्कुल। आप एक बार जरूर ट्राई करिए, आपको अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर ज़रूर करिए फ्रेंड्स। देखिए बहुत अच्छी लग रही है, देखने में भी बहुत अच्छी है, खाने में भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है। एक बार ट्राई ज़रूर करिए फ्रेंड्स, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।